हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक है, खुश रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहे, मुस्कुराते रहे। और आज तो बहुत गर्मी है, सुबह से ही बहुत धूप निकला हुआ है। अभी सुबह का 8:30 हो रहा है। मैं सो के उठ के ही मैंने ब्रश कर लिया, फिर नहा भी लिया है और फिर से एक बार नहाऊँगी। और बहुत गर्मी है इसलिए उठ के ही मैंने नहा लिया है। अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ता में आज ब्रेड बटर ही खाऊंगी। काली ब्रेड लेके रखा है और आज तो कितना धूप निकला है और कपड़ा भी धोना है। अभी मैं ब्रेकफास्ट करना पहले ज़रूरी है इसलिए ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और आज कपड़ा भी बहुत धोना है। नीम सार्टिन बारिश ही हो रहा है और हमारा जो 7-8 घंटा उसका जो घर का सारा कपड़ा वगैरह धोता है आसामीज का, ये लोग जानता है क्या होता है। और ठीक है, अभी मैं नाश्ता बनाऊँ, नाश्ता बना के खा के कपड़ा धोऊँगी और घर का तो बहुत काम होता है। मैं सोचा पहले आप लोग से मैं हेलो हाय कर लूँ। मैं ब्रेड को सेक रही हूँ और आज मैं यही खाऊँगी। अभी साय बना रही हूँ, साय के लिए मैं दूध का पाउडर दे दिया है और बेटी के साथ बात कर रही हूँ, वो पास ही है, कुछ पूछ रही है मुझे। देखिए कि इतना सारा कपड़ा को मैंने साफ के डाल के रखा है। अभी लोखिया के धो लेंगे और सारा कपड़ा है और थोड़ा सा मैंने धो के ऊपर में डाल दिया है। कितना कपड़ा हो। और अभी मैं खाना भी बना रही हूँ, मैंने साफ के दे के रखा है। और ठीक है, अभी वो आके धो लेगी। लक्की ने कर्टन्स को धो दिया है, मैं सुबह ही साफ में डाल के रखा था, अभी वो डाल देगी। पहले से जो कपड़ा डाला हुआ है वो मैं सुबह ही धो दिया था, आज धूप सुबह बहुत निकला था। अभी मैं वो कपड़ा लेके जाऊंगी और लक्की कर्टन्स को डाल रही है। अच्छी ने वो कपड़ा अच्छी तरह से धो लेता है, उसका काम बहुत अच्छा है। और शायद अभी धूप कम हो गया है, बारिश आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ, हे भगवान, बारिश ना हो जाए, मेरा कपड़ा तो नहीं सूखेगा, कर्टन्स वगैरह नहीं सूखने तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसीलिए मैं भगवान को याद कर रही हूँ, बारिश ना हो जाए। साथ ही मैंने लिविंग रूम का कर्टेंस और सोफा कवर भी साफ में डाल दिया था। अभी लोकी वो भी अच्छी तरह से धो के ऊपर लेके आया है और अभी वो डाल रही है। आज तो लोकी ने बहुत कपड़ा धोया है और अभी वो धो के सारा कपड़ों को डाल देगी ऊपर। और धूप तो पूरा चला गया है आप लोग, मतलब अभी हवा चल रही है, बहुत हवा चल रही है। पता नहीं क्या होगा, बारिश आ जाएगा तुम्हें अंदर लेके जाना पड़ेगा, देखेगा क्या होगा। हवा अब बारिश नहीं है, होने से हवा से ही सूख जाएगा कपड़ा।
हेलो फ्रेंड्स, अभी तो सार बाज गया है। मैं कितना देर से आप लोग से बात नहीं की, सुबह मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था। कितना देर के बाद मैं आप लोग से बात करने लगी हूँ। आज सारा दिन पूरा बिजी ही गया है। अभी अभी मैं नहा के आई हूँ। सुबह एक बार नहा लिया था, फिर से मैंने नहा लिया है क्योंकि अभी मैं बिंदी नहीं लगाया हूँ। और आज मैं घर का पूरा कर्टन्स, मेरा बेडरूम का भी अभी तक तो आज तो मैं काल ही ढूँगी। और लिविंग रूम और दूसरा रूम का पूरा कर्टन वगैरह को धो दिया है। और मैंने साफ में भिगा कर रख दिया था, मैंने बोला ही था धो दिया है, मतलब लोखिया आगे पूरा धो दिया है। सुपा कवर सारा, मतलब बहुत सारा कपड़ा आज धो लिया है। उसके साथ भी मैं ऐसे ही लगा रहा। और फिर खाना बना दिया। खाना में आज मैं बनाया था पपीता और आलू और पीले मतलब मटर का सब्जी बना दिया था। दाल और अंडा बॉयल, अंडा अनलेट कर दिया था, ही बनाया था। खाना खा लिया था। खाना खा के ही मैं फिर से घर का थोड़ा बहुत साफ सफाई कर दिया है। और घर का काम तो निकलता ही रहता है, कोई एक कर दो निकल जाती है, आज कर दो कल, और एक ही काम फिर गंदा हो जाता, फिर कर ले दो। देखिए पूरा अभी कर्टन्स वगैरह ऊपर ही है। अभी लोखी आ जाएगी, आके सब कुछ लगा देगी। उसने बोला दीदी मैं आ जाऊंगी, आके मैं सब कुछ लगा दूंगी, आप ऐसे ही रहने दो, मैं ऊपर से लेके आऊंगी, वो लगा देगी। और अभी आज तो सुबह से बहुत धूप निकला था, अभी तो धूप नहीं है। और गर्मी तो है, बहुत गर्मी है। फिर से मैं इसलिए सुबह नहा लिया था, और फिर से अभी मैं नहा लिया, बाल को भी धो लिया है, अभी इसलिए खोला है। मुँह में कुछ नहीं लगा, बिंदी भी नहीं लगा, बिंदी नहीं लगाने से मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। और आप लोग से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बात नहीं करते तो ऐसा लगता है कुछ ज्ञान कुछ मैं भूल के कुछ मैं भूल के ऐसा लगता है। आप लोग इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, कमेंट करके रहिए। और कुछ कुछ लोग तो बहुत ऐसे ही आंसर इसका मतलब कर देता है, और पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और ठीक है, अभी मैं थोड़ा टाइम रेस्ट करूँगी, रेस्ट करूँगी मतलब बिस्तर पे जाऊँगी, नींद नहीं है कैसे ही। और फिर बाद में मिलती हूँ आप लोग के साथ। भगवान है, बारिश नहीं हुआ है और हवा ही चलता रहा और कपड़ा सूख गया है मेरा। मैं कपड़ा लेने वाली ही थी, तभी लोखी आ गया है, बोला दीदी मैं ही लेके जाऊंगी, आप क्यों लेके जाएगा। अभी लोखी कपड़ों को अंदर लेके जाएगा। फिर लोखी ने कर्टन्स को लगा दिया है और मैं भी इसे थोड़ा बहुत मदद कर रही हूँ लोखी को। और इस रूम को लगाने के बाद दूसरा रूम को भी लगा देगा। मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा है, वो ही कर रही है। अभी लिविंग रूम का कर्टन्स को वो लगा रही है। मेरा लिविंग रूम तो पूरा बिखरा हुआ है और आज टाइम ही नहीं मिला, और पूरा सफाई कर दिया है। सुबह तो मेरा नहीं, पूरा ग्रिल वगैरह को धूल वगैरह को हटा दिया है, साथ ही मैंने भी कर लिया था मेरा के साथ। और इसलिए मैं अभी ऐसे ही रख दिया था और पूरा बिखरा हुआ है देखिए। और अभी वो कर्टेंस को लगा देगी।
अभी गाजर आलू और बीन का फ्राई बनाऊंगी। आलू और प्याज को मैंने काट कर लिया है और इसके साथ मैं टमाटर को भी काट कर लूंगी। मछली का झोल बनाऊंगी और ये सब ड्राई फ्राई बनाऊंगी। अभी खाना बनाने के लिए मैं शुरू कर दिया है, मतलब मैं पहले हमेशा मैं पहले सब्जी वगैरह को काट कर लेती हूँ। काट करके फिर मैं खाना अभी खाना बनाऊंगी। अभी तो 9 बज गया है और आज का दिन तो इतना मतलब जल्दी जल्दी जा रहा है ऐसा लगा था। मैं अभी सोई गया, थोड़ा ऐसे ही रेस्ट कर रही थी, फिर मेरे बेटे ने बोला मम्मी 9 बज गया, अभी खाना नहीं बनाना है। फिर मैं खाना बनाने के लिए आ गया। शाम में कुछ भी नहीं खाया है, अभी अभी हम माँ बेटी दोनों मिल के सिर्फ खाया है और इसे चाय पीने का मन नहीं है, गर्मी बहुत है। चिप्स खाया और साना वगैरह ये सब खा लिया। खा के मैं अभी खाना बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ और अभी मैं खाना बनाऊंगी। फिश करी बनाने के लिए मैं अदरक लहसुन को भी बारीक बारीक काट लिया, प्याज को भी बारीक बारीक काट लिया और ग्रीन चिली को भी मैंने बीच में काट लिया है। फिश को मैंने फ्राई कर लिया, आलू को भी मैंने फिश मतलब फ्राई कर लिया है काट के। और अभी मैं कढ़ाई में तेल दे दिया है, तेल देने के बाद मैं बारीक बारीक काट के लिया, अदरक लहसुन दे दिया, प्याज को दे दिया। देने के बाद अच्छी तरह से मिला के ढक्कन लगा कर रख दिया है। दूसरी कढ़ाई में भी मैं तेल दे दिया है, तेल दे के प्याज और ग्रीन चिली को दे दिया है। मैं गाजर बीन आलू का ड्राई फ्राई सब्जी बनाऊंगी और अभी मैं गाजर बीन और आलू को दे दिया है, दे के नमक हल्दी दे के अच्छी तरह से मिला के ढक्कन लगा कर रख दूँगी और सिम में। और अभी मैं आऊँगी फिश करी में। फिश करी में मेरा अदरक लहसुन और प्याज अच्छी तरह से थोड़ा सा पक गया है, पकने के बाद ही मैं मिर्ची पाउडर दे दूँगी। देने के बाद मैं हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर दे के अच्छी तरह से मिला दूँगी। मिलाने के बाद ही मैं जो पेस्ट बना के रखा था टमाटो का पेस्ट दे दूँगी। दे के मैं अच्छी तरह से मिला दूँगी। मिलाने के बाद मैं ढक्कन लगा कर पकने के लिए रख दूँगी सिम में। मेरा मसाला पक गया है, मैं फ्राई किया हुआ आलू को दे दिया। देने के बाद मैं गर्म पानी दे दूँगी। गर्म पानी देने के बाद उबलाने के लिए मैं ढक्कन लगा कर रख दूँगी। उबलाने के बाद मैं फिश को दे दूँगी। फिश के देने के बाद मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी, मेरा फिश करी रेडी हो जाएगा। और फिश करी के साथ ही मेरा जो सब्ज़ी बनाया था बीन आलू का वो भी हो गया है। मेरा खाना पीना हो चुका है, क्या बनाया मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही लिया है। और खाना खा के मतलब अभी मैं बैठी हूँ, बर्तन को साफ कर दिया है। आज तो बहुत गर्मी है और इतना गर्मी में पूरा पसीना निकल आया है। अभी जाके मैं मुँह हाथ धो लूँगी अच्छी तरह से फेस वॉश से। आजकल मैं फेयर लवली फेस वॉश यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। और आज तो घर का कितना साफ सफाई कर दिया। आज का दिन कैसा चला गया पता ही नहीं चला, ऐसा लगा दिन इतना मतलब सर्द है ऐसा लगा। काम कर जब भी काम करती हूँ ऐसे काम नहीं होने से दिन इतना लंबा है, इतना लंबा है, कब शाम होगा ऐसा लगता। आज तो ऐसा लगा हाँ इतना जल्दी 5-6 बज गया ऐसा लगा, पता ही नहीं चला जल्दी चला गया है। सारा दिन आज काम करके ही बिता दिया है। घर का तो आप लोग को साथ में शेयर कर ही दूँ, घर का कर्टन वगैरह धोया और साफ सफाई किया, मैं सभी को मतलब सूट नहीं किया और पूरा सफाई कर दिया है मैंने आज घर का। ग्रिल वगैरह को मैं अच्छी तरह से मतलब मैं महीने में एक बार तो साफ कर ही देता हूँ, मैंने साफ कर दिया। ऐसे ऐसे एक काम को तो और काम निकाल ही आता है और करते करते मतलब शाम ही हो गया। आज तो 4 बजे ही मैंने नहा लिया था और खाना तो मैं बीच में ही खा लेती हूँ खाना तो मैं जिस टाइम में खाती हूँ इस टाइम ही मैं खाना खा लिया है, फिर काम करते रही, फिर एक बार नहा लिया। और आज का ब्लॉग में तो आप लोग को यही देखने के लिए मिल जाएगा। और आज का ब्लॉग तो
मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। और आज सुबह का जो ढो दिया था वो मैंने नहीं लगाया, इस्त्री करना पड़ेगा इसलिए नहीं लगाया। कल इस्त्री कर दूँगा। इस्त्री करने के बाद कल और मेरा बेडरूम का कटन वगैरह धोने का बाकी है, मैं लोखिया के कल वो भी कर देगा। और सारा घर का कर्टन्स वगैरह मैंने धो देती हूँ बम्बूगसी माला होने के बाद। दो तीन दिन हो गया बारिश की वजह से मैंने धोया नहीं है, और अभी सारा कल हो जाएगा कर्टन वगैरह धो के। और ठीक है, आज का ब्लॉग में ही एंड करना चाहती हूँ। काम करने रहने से टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता, दिन टू छोटा ही पड़ जाता है। और ठीक है, ब्लॉग एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।